जानते हैं कि बागेश्वर सरकार एक बहुत बड़े संत हैं, वो अब हमारे अशोकनगर में पधार रहे हैं, तो उनके स्वागत के लिए हमने ये रंगोली का कार्यक्रम रखा है, जिसमें हम सभी बच्चे रात से ये रंगोली बना रहे हैं, जिसमें उनके स्वागत के लिए जहाँ से ये कलश यात्रा निकलेगी वहाँ पूरे में फूलों की रंगोली बनेगी बड़ी बड़ी। इसमें कितना समय लगा है? इसमें लगभग अभी तो हमको रात को 4 घंटे हमने दिए और सुबह हम 7 बजे से यहाँ पर आ गए। कितने लोग टीम ने बनाई? हम लोग लगभग 15 से 20 बच्चे हैं मेरे साथ, है ना, जो हमारी टीम है सत्यम आर्ट्स क्लब। हम लोग जजी अंकल के सपोर्ट से ये चीज़ कर रहे हैं। और शहर में और भी अन्य जगह पे रंगोली बनाई? हाँ, और विजय चौराहों पे, चौराहे पे, हाँ, हम लोग यहाँ से तार वाले मंदिर से रंगोली शुरू करते हुए जितने भी चौराहे बीच में पड़ेंगे, जैसे कि गांधी पार्क, इंदिरा पार्क, वहाँ पे रंगोली बनाते हुए कथा स्थल पर जाएंगे, और साथ ही मंच के सामने जो महाराज जी का हम पोर्ट्रेट बनाने वाले हैं वो बहुत विशाल रंगोली रहेगी, हमारी स्पेशल प्रस्तुति वही रहेगी। तो वहाँ पे स्टेज के आगे ही 20x16 की बहुत बड़ी रंगोली हम बनाने जा रहे हैं, वहाँ पे बड़ी बड़ी फूल वाली रंगोली बनाते जाएंगे, और जैसे ही कलश यात्रा निकलती जाएगी उसके आगे हम रंगोली बनाते जाएंगे कंटिन्यूअस। ये अभी तक की अशोकनगर की सबसे लंबी रंगोली होने वाली है, जिसमें हम लोग के साथ में 15 से 20 बच्चे रहेंगे, साथ में वो लोग रंगोली की जब कलश यात्रा निकलेगी उसके साथ में बने रहेंगे जब तक कलश यात्रा कथा स्थल तक नहीं पहुँच जाती। आज बागेश्वर धाम सरकार की जो श्रीमद् भागवत कथा यहाँ पे होने जा रही है, तो उसके उपलक्ष्य में आज कलश यात्रा यहाँ पे निकलेगी भव्य बहुत बड़ी, तो उसकी शुरुआत करने के लिए हमने यहाँ पे एक कलश बनाया हुआ है, जो बहुत बड़ा कलश बनाया हुआ है, और इसको हमने कलश से ही पूरा डेकोरेट किया है, और यहीं पास में पेट्रोल पंप के पास में भी 1000 कलश से डेकोरेट हो सके ऐसा हम एक बहुत बड़ा कलश बनाने जा रहे हैं, और जो मुख्य चौराहे पड़ेंगे या मुख्य जो स्थान पड़ेंगे वहाँ पर भी हम बहुत बड़ी बड़ी रंगोली बनाएंगे। एंड देन जो बागेश्वर धाम सरकार जहाँ पे ठहरे हुए हैं, विश्राम कर रहे हैं, वहाँ पर भी हम एक फूलों से बहुत बड़ी रंगोली बनाने जा रहे हैं, और शाम को बागेश्वर धाम सरकार का पोर्ट्रेट रंगोली पोर्ट्रेट प्लाईवुड के ऊपर बनाएंगे स्टेज के पास में। इसमें आप कितने लोगों की टीम है? 15 से 20 लोगों की टीम है ये हमारी। कितना समय लगता है इस प्रकार की रंगोली? कल रात में हमने 4-5 घंटे में ये रेडी किया था, रात में हम 4 बजे यहाँ से फ्री हुए थे। सत्यम आर्ट क्लब की हमारी ये पूरी टीम है। तो अभी जो रास्ते में आप रंगोली बनाते जाएंगे, तो मतलब कलश यात्रा के पहले ही बनाते जाएंगे? कलश यात्रा के साथ साथ बनाते चलेंगे, उसमें हम एक स्पीड रंगोली बनाते हुए चलेंगे साथ में जगह जगह पर। टैक्सी में हमारे कलर्स रहेंगे, 15 से 20 लोगों की हमारी टीम रहेगी, तो जगह जगह पर बहुत अच्छी अच्छी रंगोली बनाएंगे।